Mets. यस, डबल का है, आराम से हो जाएगा। डायरेक्टली करेंगे या चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वो करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो ये हो नहीं पाएगा, चेंज करना पड़ेगा आपको। बहुत बढ़िया, गुड। सो ये वाई का लिमिट हो गया, एक्स का लिमिट हो गया, यानी गिवन क्वेश्चन आपका डी वाई एक्स में, इसको चेंज करेंगे आप डी एक्स वाई में। ओके, आइए। यहां से तो कुछ मिलेगा नहीं, शायद यहां से कुछ मिल जाए। यस, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू एंड वाई इक्वल टू टू। हाँ जी, गिवन क्वेश्चन में वाई 0 से 1 है ना, तो एक्स के लिए गिवन है। ओके, 2y एंड 2, तो एक्स के लिए अगर बनाएंगे आप तो ये लाइन तक तो ठीक है, तो फिर एक्स के लिए अपर लिमिट 2 है। ओके, हाँ जी, आइए। सो दिस इज वाई इक्वल टू एक्स बाय टू लाइन है, एक्स के लिए 2y हो गया, और अगला लिमिट है एक्स इक्वल टू 2। यस, अगर यहाँ एक्स 2 है तो वाई कितना है? हाँ जी, एक्स 2 है तो वाई कितना है? 1 है ना, ये इतना बना दिया। अब अगर वाई के लिए आप लिमिट लगाएंगे 0 टू 1, तो आई थिंक यही वाला क्वेश्चन बनेगा। और जैसे कि आपको बार बार बताया ही जाता है लॉजिक के सारे, कि एक्स एक्सिस पे लिमिट कैसे लगानी है, वाई पे कैसे लगानी है, तो पहले बिकॉज एक्स फंक्शनल लिमिट्स के बीच में है। आइए जरा लगाएं, एक्स के लिए पहले लाइन आया एंड देन 2 आया, तो ऐसे चलेंगे एक्स के लिए पहले लाइन एंड देन 2, तो ये वाला क्वेश्चन आपको शेड करना है। यही शेड किया आप लोगों ने, दिस इज द राइट चॉइस, राइट थिंग। सर क्या कह रहे हैं? गया 1/4, 1/4। आओ, एक्स इज बिटवीन व्हाट टू कॉन्स्टेंट्स, वाई इज बिटवीन व्हाट टू फंक्शन, ऐसे चलेंगे। तो वाई के लिए लोअर है आपका 0 हो गया, और अपर ये लाइन है। और इसके साथ साथ एक्स बाय टू भी आ ही गया है, रेस्ट यू नो क्या करना। ठीक है ना, 0 टू 4। तो ये आगे आप कंपेयर कर सकते हैं आराम से, k इज 1/4, सिंपल क्वेश्चन, k इज 1/4।